सेक्स हम इंसानों के जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट। मूवीज में सेक्स, टीवी में सेक्स और तो और कार्टून्स में भी सेक्स। पर अगर मैं कहूँ कि जानवरों की सेक्स लाइफ आपकी सेक्स लाइफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप क्या कहोगे? कई सारे एनिमल्स हैं जो काफी वियर्ड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे बीज का पीनस एक्सप्लोड होना, डॉल्फिन्स का ब्रोमांस के लिए सेक्स करना और बनोबोस की माँ का अपने बच्चों को सेक्स करना सिखाना। इस वीडियो में हम 5 ऐसे अजीबोगरीब एनिमल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। एंड एज द वीडियो गोज ऑन, दीज स्टोरीज गेट क्रेजियर एंड क्रेजियर। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। डॉल्फिन्स। दिखने में तो डॉल्फिन्स हमें बहुत प्यारी, इनोसेंट और चाइल्डिश लगती हैं, बट असल में वो सबसे क्रिएटिव सेक्स लाइफ एक्सपीरियंस करती हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड लिंडन ने अपनी रिसर्च में ये ऑब्जर्व किया कि डॉल्फिन सेल्फ प्लेजर के लिए अपने पीनस पर ईल मछली को रैप कर देते हैं। He says that this may be the most creative way of animal masturbation. दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज होने के बाद भी डॉल्फिन्स एक रिचुअल फॉलो करते हैं। जैनेट मन, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये ऑब्जर्व किया कि मेल बॉटल नोज डॉल्फिन्स एंगेज इन सेम सेक्स रिलेशंस टू फॉर्म बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। ये बॉन्ड्स बन जाने के बाद वो पैक्स फॉर्म करते हैं और ये पैक्स फीमेल्स को दूसरे ऐसे ही पैक्स से प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग वायलेंट एक्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, और कभी कभी ये वायलेंट एक्ट्स सेक्सुअल एक्ट भी बन जाते हैं। वैसे ह्यूमंस एंड डॉल्फिन्स में एक चीज तो कॉमन है, जस्ट लाइक मोस्ट ह्यूमन मेल्स, डॉल्फिन्स आल्सो इजैक्युलेट इन 10 seconds, बट डॉल्फिन्स ऐसा मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं विद इन एन आवर। बनोबोस। डॉल्फिन्स तो ह्यूमंस से काफी डिफरेंट है, बट बनोबोस ह्यूमंस के साथ 98.7% DNA शेयर करते हैं। उनके बारे में सुन के आप अपनी सेक्सुअल लाइफ क्वेश्चन करने लगोगे। डेटिंग इजी नहीं होती हमारे लिए, और सेम चीज होती है बनोबोस के साथ भी, बट डिफरेंस ये है कि बनोबोस को उनकी मदर डेटिंग में गाइड करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में की गई रिसर्च ने हमें ये बताया, सेक्स के टाइम पे एक मेल बनोबो की माँ उसके साथ ही रहती है उसको गाइड करने के लिए, और ये भी देखा गया है कि इसी की वजह से सेक्स इज मोर प्लेजरेबल फॉर द फीमेल ऑल्सो। अब आप सोचो कि अगर आपके हनीमून में ऐसा हुआ तो शायद उसी रात डिवोर्स हो जाएगा। जैसे डॉल्फिन्स होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, उसी तरह बनोबोस भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये फीमेल्स में देखने मिलता है। जब भी फीमेल्स के लिए कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट होता है, चाहे वो फूड या सर्वाइवल का ही हो, और इन रिगार्ड्स टू मेल बनोबोस, फीमेल्स एक दूसरे के साथ सेक्स करती हैं ताकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो और कोऑपरेशन बढ़े। एक बार ऐसा हुआ था कि जब दो फीमेल्स ने सेक्सुअल इंटरेक्शन किया था तो उनका यूरिन सैंपल लिया गया, और उसमें देखा गया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लेवल ज्यादा थे। ये हार्मोन सोशल बॉन्डिंग में एक की रोल प्ले करता है, पर जब फीमेल्स ने मेल्स के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर किया तो ऑक्सीटोसिन के लेवल्स में कोई चेंज नहीं दिखा, जो ये दिखाता है कि उनको सेम सेक्स एक्टिविटीज में ज्यादा प्लेजर मिलता है। ये जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ह्यूमंस एंड बनोबोस एक ही एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए हैं, और शायद उनके बिहेवियर्स को पढ़ के हम ह्यूमंस के वियर्ड बिहेवियर्स को भी समझ पाए। पेंगुइन्स। वियर्ड बिहेवियर की बात कर ही रहे हैं तो चलिए जानते हैं पेंगुइन्स की वियर्ड सेक्स लाइफ के बारे में। 1911 में किए गए एक एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन में डॉक्टर लाविक ने 3 महीनों तक पेंगुइन्स को स्टडी किया था। उनको ये देखने मिला कि पेंगुइन्स का सेक्सुअल बिहेवियर इतना भी इनोसेंट नहीं है जितना दिखता है। मेनली यंग मेल और फीमेल पेंगुइन्स जिनको पार्टनर नहीं मिले थे, वो डेड बॉडीज के साथ सेक्स करते हुए दिखे, और दूसरे पेंगुइन्स को थ्रेटन करके उनके साथ सेक्स करते थे, और फ्रीक्वेंटली होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते थे। यही रिसर्च में ये भी ऑब्जर्व किया गया कि पेंगुइन्स ट्रेड सेक्स फॉर अदर थिंग्स, जैसे कि सेक्स एक कॉमन करेंसी हो। अगर कभी ऐसा हो कि मेल पेंगुइन एक पार्टनर के लिए नेस्ट बना रहा है ताकि वो अपने पार्टनर के अंडे दे सके और नेस्ट के बिल्डिंग मटेरियल्स कम पड़ जाएं, तो फीमेल पेंगुइन खुद एक ऐसे मेल पेंगुइन के पास जाती है जिसके पास मटेरियल्स हो, और उसके साथ सेक्स करती है, और बदले में उसको अपने नेस्ट के लिए मटेरियल्स मिल जाते हैं। एक और चीज है जो एनिमल किंगडम में बहुत कॉमन दिखती है, वो है गैंग्स एंड पैक्स। पेंगुइन्स भी गैंग्स में घूमते हैं। थेफ्ट और मर्डर के साथ वो अपनी गैंग को यूज करते हैं फीमेल पेंगुइन्स को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए। रिसर्चर्स मानते हैं कि असॉल्ट करते हैं टू एस्टैब्लिश पावर एंड रिस्पेक्ट। हनी बीज।
ये सारे एनिमल्स की सेक्स लाइफ बहुत डिफरेंट है हमसे, पर हनी बीज एक ऐसी स्पीशीज है जिसकी सेक्स लाइफ से आप रिलेट कर पाओगे। मेल बीज को अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार सेक्स करने मिलता है और फीमेल वर्कर बीज कभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती। सारे फीमेल बीज में से सिर्फ क्वीन बीज ही होती हैं जो मेल बीज के साथ सेक्स करती हैं, और मेल बीज जिनको ड्रोन्स भी कहा जाता है उनकी लाइफ का एक ही पर्पस होता है, वर्जिन क्वीन बी के साथ मेट करना। क्वीन बी भी सिर्फ एक ही बार नप्शल फ्लाइट लेती है जिसमें सारे ड्रोन्स कम्पीट करते हैं क्वीन बी के साथ मेट करने के लिए, और इसी एक फ्लाइट में क्वीन बी 12 या उससे ज्यादा ड्रोन्स के साथ मेट करती है। जब एक ड्रोन इजैक्यूलेट करता है तो उसका पीनस अपने बॉडी से डिटैच होके क्वीन के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही रह जाता है, एंड शॉर्टली आफ्टर दैट वो जमीन पे गिर के मर जाता है। कई रिसर्चर्स ने इसको सेक्सुअल सुसाइड भी कहा है बिकॉज ऑफ हाउ ड्रोन्स डाई आफ्टर हैविंग सेक्स। एक ही ऐसे नप्शल फ्लाइट के बाद क्वीन के पास अप टू 100 मिलियन स्पर्म स्टोर हो जाते हैं। जहाँ क्वीन मजे कर रही होती है वहाँ फीमेल वर्कर बीज की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। दे क्लीन सेल्स फॉर एग्स टू बी लेड, फीड द लावा, कंस्ट्रक्ट द वूम एंड गार्ड द हाइव। कितनी बोरिंग लाइफ है। लायंस। वैसे अगर आपकी खुद की सेक्स लाइफ बोरिंग हो और आपके पार्टनर की सेक्स लाइफ काफी अच्छी चल रही है, ऐसा ही कुछ केस है लायंस का। वैसे तो शेर बने फिरते हैं पर फीमेल लायंस के पास वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। स्तोत्र चक्रवर्ती जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में एनिमल बिहेवियरिस्ट है, उन्होंने लायंस को स्टडी किया था। शॉकिंगली उन्हें ये पता चला कि जब कोई ऐसे लायंस आते हैं जो एक फीमेल लायन के बच्चों को हार्म करना चाहते हैं या फिर पोटेंशियली हार्म कर सकते हैं, तो वो फीमेल लायन खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि वो इन्वेडर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगी, और उसके लिए ये फीमेल अपने बच्चों से दूर जाके इन मेल लायंस को इनवाइट करती है सेक्स के लिए, और एक दिन में अप टू 50-70 टाइम्स कॉपुलेट करते हैं। ये सब देखने के बाद भी मेल लायन डजंट डू एनीथिंग अबाउट इट। ही जस्ट गोस क्रेजी एंड मेक्स स्ट्रेंज नॉइजेस, बिकॉज अगर वो बीच में पड़ा तो शायद दूसरे लायंस के साथ उसकी फाइट हो जाए और चिल्ड्रन को हार्म होने के चांसेस बढ़ जाए। ना चाहते हुए भी उनको ये मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है। हाय गाइस, तो ये थे 5 एनिमल के स्पीशीज जिनके मेटिंग रिचुअल्स हमको काफी इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपको भी ऐसे कोई स्पीशीज के बारे में मालूम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन एंड मेक योर ब्रेन बिगर।